हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आ गए हैं फिर से। आज हम फ्राइडे को हम व्हाट द फ्राइडे टैरो रीडिंग लेकर आए हैं। बहुत दिनों से हमने रीडिंग नहीं की, तो हमने सोचा आज हम एक रीडिंग कर लेते हैं। तो हमने पूरा सेटअप तैयार किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं बड़ी मुश्किल से हमने फ़ोन टिकाया है। तो चलिए आज आपकी रीडिंग देखते हैं। और रीडिंग में कोई पाइल नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है जो कि हम आप लोगों के लिए करेंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं। और हम अभी की एनर्जीज पता करेंगे और आगे फ्यूचर में, मतलब थोड़े दिनों के बाद या थोड़े रीसेंट टाइम में, रीसेंट फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में हम पता करेंगे। तो चलिए आज हम आपके सामने लाइव शफलिंग करेंगे और हम देखेंगे कि आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो ये वाला टैरो डेक यूज़ कर रहे हैं हम, टैरो टू गो, ये वाला टैरो डेक यूज़ कर रहे हैं अभी हम आपके लिए। और ये रहे हमारे कार्ड्स, ये अभी 2-3 दिन पहले ही डिलीवर हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स आते हैं। प्लीज एंजल्स, गार्जियन एंजल जीसस, बताइए क्या हमारे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हैं। ओके, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ रॉड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत जल्दी फास्ट कार्ड्स आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन। ओके, बॉटम द टेम्परेंस का कार्ड आया है। ये टेबल बहुत छोटा सा वर्ड है। तो हम आपको कार्ड दिखा देते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। ओके, एट ऑफ रॉड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट। ओके, तो यहाँ पर वाटर साइन और ऑलमोस्ट सारे ही साइन हैं, लेकिन यहाँ पर जो है पेंटिकल्स, कप्स, वॉन्ड्स, एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन एंड जो अर्थ साइन है सारे ही यहाँ पर हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट है वो है द हैंग्ड मैन और द हर्मिट का कार्ड। तो हर्मिट का कार्ड वर्गो और हैंग मैन पाइसीज। ओके, तो अभी की एनर्जी से पता चल रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इस वक्त आप किसी पे बहुत नज़र रख रहे हैं, किसी को स्पाई कर रहे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। ओके, तो पेज ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड के साथ पेज ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड आया। तो देखिए, जहाँ तक हमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मैच्योरली बिहेव करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा आप इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं अपने किसी लाइफ को, किसी लाइफ की किसी सिचुएशन या लाइफ के किसी पार्ट को लेके। तो आपको ज़रूरत है, अगर आप, क्योंकि उसके साथ ही जो पेज के कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, उसके साथ ही आया है एट ऑफ रॉड्स का कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि आपको मैच्योरिटी से ये इमेच्योर जो आपका बिहेवियर है उसको आपको छोड़ के जो है थोड़ा मैच्योर होके आपको जो है एट ऑफ रॉड्स यानी आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। अगर आप किसी के आप किसी से कोई कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको जो है
कॉन्वर्जेशन अगर आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अभी आप हर्मिट मोड में हैं। तो हर्मिट मोड और यहाँ पर हैंग्ड मैन का भी कार्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा हैंग्ड पोजीशन में हैं। आप सोच रहे हैं कि अभी ऐसा करना ठीक होगा या नहीं होगा। और बीच में आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, तो आपको कहीं ना कहीं इस बात का डर भी लग रहा है कि कहीं आपको सामने वाले से कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स ना मिले। ये आपके करियर फील्ड का ही हमें नज़र आ रहा है कि आपको शायद किसी से कोई बात करनी है, कोई जॉब रिलेटेड या कोई नए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के रिलेटेड, और आपको डर लग रहा है कि वहाँ से जो है रिप्लाई आपको नेगेटिव। देखिए, आप रिस्क लेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि आपको जो है रिप्लाई नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी किसी के साथ झगड़े के मूड में हैं। तो अगर आपकी ऐसी एनर्जी है तो प्लीज़ आप अभी कुछ दिनों तक शांत रहिए। हमको ऐसा लगता है कि आपको अभी कुछ दिनों तक शांत रहने की आवश्यकता है। तो हम इसको क्लैरिफाई करेंगे, इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, तो उसके लिए हम ये वाला डेक यूज़ करेंगे। इसमें सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं, तो देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी। ओके, तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आ रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, ओके, दो कार्ड आ गए हैं, जैसा कि हमने सोचा था। आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोई चलाकी नहीं चलती है। जो कार्ड ऊपर वाला देना चाहता है वही कार्ड, ये कार्ड हमने मन में सोचा था कि द एम्परर का कार्ड तो पक्का आएगा। ये एम्परर बहुत ही ईगोइस्टिक इंसान होता है, किंग ऑफ सोर्ड्स। वो ये इंसान आप देख सकते हैं, इसके हाथ में तलवार है। एम्परर जो है इसके भी हाथ में कहीं ना कहीं तलवार है, अगर आप देख सकते हैं। तो एम्परर जो है, एम्परर का कार्ड ये बताता है, एक एम्परर अपने आप में एक फादर फिगर होता है, एक बहुत ही जिसके पास एक बहुत सारी पावर होती है। तो पावर का नाजायज फायदा उठाने वाला इंसान एम्परर नहीं होता है। हमारे हिसाब से एम्परर एक इंसान, एम्परर अगर है तो उसको वो दुनिया में राज करने के लिए पैदा हुआ है, एम्परर। लेकिन राज आप किसी का जो है दिल तोड़ के, घर तोड़ के तो आप नहीं राज कर सकते ना। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा अच्छा मिलेगा, अगर आप बुरा करेंगे तो आपको बहुत बुरा मिलेगा, जैसे कि हम बताते हैं। तो द एम्परर का कार्ड, द किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, दोनों ही ये बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज बहुत है। और आपको हमने दिखा दिया है कि द हैंग्ड मैन का कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है द एम्परर ने और द हैंग्ड मैन ने, यानी आप किसी सिचुएशन में तो लटके हुए हैं ही, ये भी ये कन्फर्मेशन है। और जहाँ तक हमें दिख रहा है कि अगर आप थोड़ा सा और पेशेंस रखेंगे, तो वो भी हम आपको बता देंगे कि आपको कितना पेशेंस रखने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर बहुत इमेच्योर बिहेवियर आपका, आपका ईगो भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं इस वक्त, आप बहुत ईगो में हैं। और अहंकार जो है वो बहुत ही बुरी चीज़ होती है, वो लोगों को ले डूबती है। पता नहीं किसकी एनर्जी आई है, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक हमने आपको बताया था टेम्परेंस का है, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत जल्दी आएगा बैलेंस, आपको खुद ढूंढने की ज़रूरत है। तो लाइट सीयर्स टैरो हमारा फेवरेट टैरो डेक है। इसमें से हम देख लेते हैं कि ये एट ऑफ रॉड्स का कार्ड, आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत अभी है। जहाँ तक यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है, किसी से आपको बात करने की ज़रूरत है। तो हम ये देख लेते हैं कि ये एट ऑफ रॉड्स का कार्ड, क्लैरिफाई कर लेते हैं इसको, थोड़ा और डिटेल में पता चल जाएगा। ये सारे कार्ड तो हम नहीं लेंगे ना, मैं देखे भी।
फ्लिप हो गया है। द सन एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, इन्हीं की कमी थी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए, जिससे आप बात करना चाहते हैं वो भी कहीं ना कहीं गुस्से में है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं उनसे जो है नेगेटिव रिप्लाई जो है नेगेटिव रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सन का कार्ड आया है, जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर आप एट ऑफ रॉड्स का कार्ड आया, अगर आप किसी से कम्युनिकेशन करेंगे तो, यानी अगर ये आपकी बॉस है, अगर आप कोई जॉब करते हैं और आपको अपनी बॉस से किसी बारे में बात करनी है, तो सन का कार्ड आया है तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो बातचीत होगी वो बहुत ही पॉजिटिव होगी और आपको कोई भी उसका जो है नेगेटिव आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, और आपको पॉजिटिविटी ही आपको मिलेगी। तो ये थे आपके, ये दोनों कार्ड्स आए थे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आ गया, किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया था, तो यहाँ पर तो कपल ही आ गया है। एक मिनट हम वीडियो को पॉज कर लेते हैं, हमको ये कार्ड थोड़े रखने हैं, ये तो पॉज ही नहीं हुआ। तो चलिए, हमने जो है हमारा जो ये सेक्रेट टैरो है और ये लाइट सीयर्स का टैरो है, इसको हमने वापस से कार्ड्स में रख दिए हैं। तो ये जो पहले आपके कार्ड्स आए थे ये वैसे के वैसे ही हैं, हमने रखे हुए हैं, और बॉटम ऑफ द डेक हमने बताया था कि डेड टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो ये थी अभी की आपकी ओवरऑल एनर्जी, आगे भी हम देखेंगे कि आगे क्या है। और तो एंजल आंसर्स में से हम देख लेंगे कि आपको जो क्या एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, अगर आप ये कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं, किसी से कोई बात करना चाहते हैं, जॉब रिलेटेड, करियर रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड कोई भी बात है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके लिए जो है एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, कितने टाइम के अंदर आपके लिए जो है उनका जवाब क्या है वो देख लेते हैं। बहुत फ्लिमजी है ये वाले, थोड़े चिपक चिपक के रहते हैं, कई बार तो एक साथ दो कार्ड निकल आते हैं, चिपक के पता भी नहीं चलता। जितने ज्यादा यूज होंगे उतने ज्यादा जो है ये ओके। तो कार्ड्स बहुत फ्लिमजी हैं तो गिर नहीं रहे हैं, अगर ये लास्ट हम सब शफल करेंगे, अगर ये अपने आप आता है तो ठीक है, अदरवाइज आई टेक इंट्यूटिवली। नहीं आया तो ओके, ये वाला कार्ड बी असर्टिव, तो आपको बोला जा रहा है, एंजल्स कह रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक सोचना है। अगर आप बिल्कुल अच्छा सोच रहे हैं तो आगे बढ़िए, आपको कोई नहीं रोक सकता। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेंगे, कॉम्प्रोमाइज़, तो देख लीजिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। अगर आपको जो है आगे बढ़ना है तो आपको खुद ही चीज़ों से समझौता करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों में आपको खुद कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। भगवान भी कॉम्प्रोमाइज़ कुछ चीज़ों में खुद कर लेते हैं, हम लोग तो इंसान हैं। तो अभी के लिए ये हमें एंजल की गाइडेंस मिल गई है, अब हम ओरेकल ऑफ द फेरीज़ वाले डेक से भी देख लेंगे कि और भी कुछ है। तो
ये ओरेकल ऑफ द फेरीज के डेक से भी देख लेते हैं, इससे थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा अच्छे से मिल जाती है। छिपकलियां आ गई हैं, देख लेते हैं। फेरी स्पॉटिंग इतना सुंदर कार्ड है, ये जो इनके इसके हाथ में फ्लावर्स हैं अगर आप देख सकते हैं, विंका के फ्लावर्स हैं, इसको नयनतारा बोलते हैं। ये फ्लावर्स आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, ऐसा हमारा इंट्यूशन बोल रहा है कि ये फ्लावर्स अगर आपको दिखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, कुछ शुभ है। ये हमारे छत पे लगे हुए हैं बहुत सारे, तो ये वाला कलर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, विंका के फ्लावर्स। और एक बटरफ्लाई भी आपको दिख रही होगी, बटरफ्लाइज भी बहुत सिग्निफिकेंट है। तो फेरी स्पॉटिंग, इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग, इट्स सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग बट इन फैक्ट द अपोजिट इज ट्रू, बिलीविंग इज सीइंग। तो अगर यहाँ पर बोला जा रहा है फेरी स्पॉटिंग के रिगार्डिंग, कि ऐसा बोला जाता है कि आप जो चीज़ें देखते हैं उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन फैक्ट यहाँ पर वो है जो इसका उल्टा है, बिलीविंग इज सीइंग। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप वही चीज़ें देखते हैं, बिलीविंग इज सीइंग। और पहले का था सीइंग इज बिलीविंग। तो ये आपका कार्ड आया है, तो आपको बॉटम ऑफ द डेक फ्लरिश, द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड शेड योर इनर लाइट ऑन एनी अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ और दोज ऑफ अदर्स। तो लोटस फ्लावर फेरी आपको बोलती हैं कि अपने एक्सपीरियंस से आप सीखें और अपनी इनर लाइट को आगे दूसरों पर भी अपने लाइफ में आगे लेके आएं, और सब और दोज ऑफ अदर्स, और उनके अलावा भी दूसरे लोगों पर भी अपनी लाइट को, दूसरों को अपनी लाइट से रोशन करें। तो अभी के लिए ये आपकी रीडिंग थी। अब हमने जो है कुछ आपके लिए, एक सरप्राइज है, हमने एक डाइस बनाया है, वो इनकम्प्लीट है, तो अभी हम वो डाइस यूज नहीं करेंगे। इसके अंदर वो डाइस है, ये एक बॉक्स है जो हमने खरीदा है तारापीठ से, इसमें हमने दो डाइस बनाए हैं, ऐसे डाइस, इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो हम इसको शफल कर, ये अभी इनकम्प्लीट है, लेकिन फिर भी हमने इसको जो है यूज़ करने का हम सोच रहे हैं कि इसको हम आज की रीडिंग में यूज़ कर लेते हैं। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। ये देखिए, ट्विन फ्लेम ट्रू लव, तो आपकी लाइफ में 11-11 हो गया, आगे आ रहा है ट्रू लव और ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आप डील कर रहे हैं, या आपका सच्चा प्यार आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है। और हम इसमें से भी देख लेंगे, ये बॉक्स भी हमने तारापीठ से खरीदा था हमने टैरो के लिए, तो इसके अंदर भी हमारे कुछ चिट्स बनाए हैं जो हमने आज ही बनाए हैं, वो तो हम यूज़ करेंगे, और इसमें से देखेंगे आपके लिए क्या आ रहा है। तो चलिए अपने खुलजा सिमसिम बॉक्स में से देखते हैं। खुलजा सिमसिम ये देखिए, इसमें कितने सारे चिट्स हैं, बिल्कुल इतना पूरा पूरा भरा हुआ है, ये देखिए, देखिए ना, ये पूरा भरा हुआ है। हम इसमें से ऐसे करके नहीं निकालेंगे, हम इसके अंदर से ही निकालेंगे। ये तो पूरा भर गया, तो शफल कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ऐसे ऐसे करके ही निकल आएंगे, जो निकलेंगे बाहर खुद ही।
बहुत सारे निकल आ रहे हैं। अरे ये तो सारे ही निकल आए। इतने सारे, चलिए ले लेते हैं। ट्वेंटी सिक्स ये नंबर आए हैं, आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, आपका एज हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 24 फिजिकल एक्टिविटीज़, आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है। आर्केंजल मेटाट्रॉन, आर्केंजल मेटाट्रॉन आपके साथ हैं। आर्केंजल एरियल, आर्केंजल एरियल भी आपके साथ हैं। म्यूज़िक, म्यूज़िक से रिलेटेड आपको म्यूज़िक आपको हील करता होगा, आपको म्यूज़िक सुनने की ज़रूरत है। सेल्फ केयर, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। नेचर, नेचर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। हिडन ट्रुथ, अगर कोई सच्चाई है जो छुपी हुई है वो यहाँ पे रेवलेशन नहीं है, आपसे कोई सच्चाई छुपी हुई है। हिडन ट्रुथ यानी आपसे कोई सच्चाई छुपी हुई है, ये आपको भगवान बता रहे हैं। वॉयलेट, आपके लिए वॉयलेट कलर बहुत सिग्निफिकेंट है। नंबर 5 12 वन 10 11 आपका डेट ऑफ बर्थ या आपका बर्थ डेट हो सकता है, नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। ऑटम, ऑटम का सीज़न आपके लिए सिग्निफिकेंट है। गिफ्ट्स, गिफ्ट्स रिसीव करने वाले हैं। आर्केंजल रफाइल, आर्केंजल रफाइल भी आपके साथ है। एंजल्स, एंजल्स आपके साथ हैं। वाटर साइंस आपके लिए सिग्निफिकेंट है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 6 15 1 प्लस 5 6 ओके, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 10 बिग हैप्पी चेंजेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज, फ्रेंडशिप्स, हमारे तो फ्रेंडशिप्स है ही नहीं, मतलब फ्रेंड्स ही नहीं है। ड्रीम्स, आपको अपने ड्रीम्स में ध्यान देना है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके ड्रीम्स। नेक्स्ट वीक आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। रेनबो, अभी कहाँ से रेनबो निकलेगा, लेकिन ये चिट पे है तो कुछ आपको रेनबो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको आसमान में ही दिखे, रेनबो आपको पिक्चर्स में भी दिख सकते हैं, आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। बीवेयर ऑफ स्कैम्स, तो पहले से आपको वो मिल रहा है कि आप स्कैम्स से बचे रहें। ग्रीन कलर आपके लिए सिग्निफिकेंट है। डॉग्स, हो सकता है आप डॉग लवर हैं या पेट है आपके पास, या आपको डॉग्स से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, बहुत लॉयल। डॉग्स लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है। गॉडेस, तो देवी माँ की आराधना करें आप जिनको भी मानते हैं। ये देखिए गॉडेस के साथ ही मदर मेरी का कार्ड आया है, हम बहुत मानते हैं तो मदर मेरी का कार्ड आया है। फैमिली सपोर्ट, आपको फैमिली सपोर्ट मिलेगा। नंबर 4 बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 23 आपकी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आर्केंजल गैब्रियल, सारे एंजल्स आपके साथ हैं। रेवलेशन, अब आया है कुछ चीज़ें रिवील हो सकती हैं। आर्केंजल यूरियल, जीसस, ऊपर यूट्यूब की नोटिफिकेशन आई है प्रेयर की, जीसस की प्रेयर की, और जीसस का उसी वक्त जीसस का भी कार्ड आया है, भगवान जी हमारे भी साथ हैं। आर्केंजल माइकल, पूरा भर गया है टेबल। नंबर 9
योगा एक्सरसाइजेस, हाँ ये वैसे हमको ही बोला जा रहा है लग रहा है, बहुत मोटे हो गए ना। टू लव कार्ड ऐसे मुड़ के ऐसे गया। नेक्स्ट मंथ आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट, अपने टाइम को मैनेज करने की ज़रूरत है, लव का कार्ड आया है। रेन, बारिश आपके लिए सिग्निफिकेंट है। हैप्पीनेस, खुशियाँ आ रही हैं। नेक्स्ट फ्यू आवर्स बहुत सिग्निफिकेंट है, कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स यानी कुछ घंटों में आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा टेबल भर गया है। ये हमारे चिट्स थे तो अब हम इनको वापस से रख देंगे। प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन, अगर आप चाहते हैं हमको कांटेक्ट करना अपनी रीडिंग्स के लिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे जो है रीडिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आप हमारी दूसरी वीडियो पे जाके चेक कर सकते हैं कि हमारे रीडिंग की प्राइसेस कैसी हैं, क्या क्या प्राइसेस हैं। तो चलिए आज के लिए ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा कंटेंट तो। और अपने दोस्तों से भी कहिए जिनको टैरो रीडिंग की बहुत ज़रूरत है, हम आपको टैरो रीडिंग बहुत रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड करेंगे। इससे आपकी लाइफ भी बदल सकती है और आपको गाइडेंस भी मिल सकती है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। Bye.